यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल आज आप लोग के साथ बहुत ही सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत से लोगों को तो ज़ाहिर है पता लग भी होगा कि मैं किस चीज़ की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से मतंजन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो ईज़ी है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन ईजी है सबसे पहले आप क्या करें कि राइस बॉइल कर लें ठीक है राइस मैंने ली है ऑलमोस्ट वन एंड हाफ कप ठीक है मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाना था तकरीबन सिक्सटी परसेंट कुकड जब ये हो गए हैं तो मैं इसको स्ट्रेन करके रख लूंगी अब मैं क्या करूंगी कि मैंने तीन कलर्स जो ऐड करने हैं उनको मैंने अलग अलग प्याली में मिक्स कर दिया है पानी में अब मैं उसमें थोड़े थोड़े चावल ऐड करती जाऊंगी अच्छा अलग अलग से इसको इसलिए इस तरह से कर रही हूँ ताकि जब आप इसको अपने मतंजन में मिक्स करेंगे तो इनके कलर्स अलग अलग से नजर आएंगे ऐसा नहीं होगा कि सारे कलर मिक्स हो जाएंगे और वो उसकी रियल लुक होगी रियल ब्यूटी होगी ठीक है ना तो इस तरह से आपने इसको अलग अलग से मिक्स कर लेना क्योंकि मेरे राइस की क्वांटिटी कम है तो मैंने थोड़े ही चावल जो हैं वो लिए हैं और कलर में मिक्स किए हैं अच्छा चावल जो हमने स्ट्रेन कर लिए थे अब क्या करेंगे कि ताकि आपस में चिपक ना जाए क्योंकि मतंजन फिर मज़े का नहीं लगेगा तो इसको जो है मैं वो डिश में अच्छे से फैला के रख लूंगी ताकि इसको हवा लग लगती रहे ठीक है सिक्सटी परसेंट कुक जब ये होंगे तो मैं इसको स्ट्रेन करके फैला लूँगी। अब अपने हमने क्या करना है कि जो हमने कलरफुल जो हमने राइस रेडी किए हैं मतंजन में ऐड करने के लिए उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है पानी से भी निकाल लेना है जो एक्स्ट्रा कलर होगा एक्सेसिव कलर होगा वो सारा निकल आएगा ताकि जो आपका मतंजन है उसमें हर जगह सिर्फ कलर ही कलर ना फैल जाए इस तरह से आपने तीनों कलर्स जो भी अपने लिए हैं रेड ऑरेंज येलो ग्रीन उनको कर लेना है और राइस को इस तरह से डिश में आपने अलग से फैला के रख देना है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि जी हमने मक्खन लिया है नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा और इसमें हमने अपने Uh, ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट करने हैं बादाम पिस्ता नारियल और किशमिश मैंने लिए है इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है रोस्ट करके इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख देंगे और अब हमने दोबारा मक्खन लिया है तो उसमें मैंने चीनी थोड़ी सी ऐड करके मिक्स कर ली है और अब मैं उसमें खोया ऐड कर रही हूँ हंड्रेड ग्राम्स खोया ऐड किया है मैंने अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मलाई या क्रीम भी ले सकते हैं लेकिन आपकी फ़र्स्ट ऑप्शन फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो खोया होनी चाहिए क्योंकि उसका टेस्ट मतंजन में बहुत अच्छा आएगा चम्मच चलाते रहेंगे खोया ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये देखिए बेहतरीन सा जब वो खोया रोस्ट हो चुका है अब इसको हम साइड पे कर देते हैं अब हमने क्या करना है कि एक मैंने माल्टा लिया है ऑरेंज लिया है उसका छिलका भी हमने लेना है ग्रेट कर लेना है उसको भी हम ऐड करेंगे मतंजन में और एक ऑरेंज का जूस जितना भी वो निकलाएगा वो भी हम यूज करेंगे अगर ऑरेंज आपको अवेलेबल नहीं है तो फिर स्किप कर देंगे अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने घी लेना है ठीक है और इसके अलावा तीन लौंग और तीन इलायचियाँ ली हैं ऑरेंज का जूस है आधा कप दूध है राइस जो हमने अलग से डिश में निकाल के रख लिए थे जो कि 60 परसेंट कुक है सिक्सटी से 70 परसेंट कुक होने चाहिए रोस्टेड नट्स हैं ड्राई फ्रूट्स और ऑरेंज का छिलका और अशरफिया ठीक है और खोया और जो चावल हमने स्ट्रेन किए थे कलर्ड राइस वो हैं अब हम क्या करेंगे कि हम घी में जो है वो इलायची और लौंग डाल देंगे उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे खुशबू एक उसकी आने लग जाएगी आपको फिर आप इसमें चीनी डालेंगे देंगे तो तकरीबन सवा कप से डेढ़ कप और जो थोड़ा सा दूध है वो इसमें ऐड कर देंगे अच्छा अगर आप आ, हमने दूध थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसमें ऑरेंज का जूस ऐड करना है अगर आप ऑरेंज का जूस स्किप करते हैं तो आप दूध की क्वान्टिटी फिर ज़्यादा कर लिएगा इसको आपने अच्छे से चम्मच चलाते रहना ये मिक्स हो जाएगा एक फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड से फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो इसकी बहुत अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो जाएगी और जब इसकी अच्छे से मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी तो साथ ही आपने इसमें क्या करना है कि ऑरेंज जूस ऐड कर देना एक ऑरेंज का जितना भी जूस निकलेगा वो आप इसमें ऐड कर दें और ऑरेंज जूस ऐड नहीं कर रहे तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दीजिएगा ठीक हो गया अब इसको, इसको इसी तरह से हम अच्छे से मिक्सिंग करते रहेंगे मिक्स करने के बाद जब ये इस पर झाग बनी शुरू होगी तो इसका मतलब है कि आपकी चाश या चाशनी जो भी आप इसको कहेंगे वो रेडी होना शुरू हो चुकी है उसको दो से तीन मिनट बस हम पकाएंगे इसमें चम्मच चलाते रहेंगे दो से तीन मिनट पकने के बाद हमने इसमें अपने राइस ऐड कर देने हैं अब राइस ऐड करके उसको भी हल्का सा उसमें चम्मच चलाएंगे बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना क्योंकि हमने चावल को तोड़ना नहीं है तो साथ में जो पानी निकलता आ रहा है वो हम इसको जब थोड़ी देर इसको पकाते रहेंगे तो वो पानी भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा और हमें तब तक ही इसको पकाना है इसको चूल्हे पर रहने देना है जब तक के खुश्क ना हो जाए पानी अब जो रोस्टेड नट्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आने वाला है इसका और जो हमने ग्रेटेड पील है हमारा ऑरेंज का वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके मतंजर में ठीक है अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि पानी जो है वो अच्छे से इसका खुश्क हो जाए चावलों का पानी अब हम इसमें जो है वो स्ट्रफियाँ ऐड कर देंगे लोग जो है वो मुतंजर में बड़ी डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं जो आपको ज़्यादा चीज़ें पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करना चाहें नट्स ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं साथ ही कलर राइस भी इसमें ऐड कर दिए हमने अब जो है वो हमने इसको हम देंगे इसको दम जाहिर सी बात है क्योंकि हमने राइस जो है वो अनकुकड रखे थे फोर्टी से फिफ्टी परसेंट तो अब हम जो है इसको टाइम दे देंगे दस से पंद्रह मिनट का लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है खोया जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हमने ऐड करना है खोया इस स्टेज में ना हो तो मलाइया क्रीम ऐड कर दें अब दस से पंद्रह मिनट के, के दम के बाद मैंने इसको खोल लिया है और बड़ा अच्छा जो है वो इसका एक एरोमा आ रहा है और बहुत अच्छी इसकी लुक लग रही है मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को भी मतरंजन बहुत पसंद आने वाला है तो यह आप लोग के सामने फाइनल लुक है मतरजन की अगर आप लोग जैसे देखें आगे बकरा बकराईद आ रही है तो दावतों में मीठा तो होता ही होता है तो मीठे की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ अभी से शेयर कर दी है आगे आने वाली रेसिपीज़ में आप लोगों के साथ बकराईद स्पेशल रेसिपीज़ भी ज़रूर शेयर होंगी लेकिन तब तक आप मेरे इस मतंजन की रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन को क्लिक कर दें और डेफ़िनेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफ